सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर और हम सब भाई बहन मिलकर इस प्रार्थना सभा में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सब ईश्वर की दया और कृपा से सुरक्षित हैं, आनंदित हैं। तो प्रभु ने आज के शाम के बेला में फिर से हमें अपने पास बुलाया है कि हम उसकी स्तुति करें, उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। तो आइए हम जहां कहीं भी हैं उस प्रभु के नाम पर, उस प्रभु के सामने आए, अपने आप को उस प्रभु को सौंपें और आज के आराधना प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करें। आज के इस प्रार्थना सभा में आरंभिक प्रार्थना भाई सुरसेन के माध्यम से होगी। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन फूलमणि, साथ देंगे भाई सुमित टोप्पो और भाई सुरसेन। वचन मैं पढ़ूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने प्रिय दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम सब जहां कहीं भी हैं हम अपने आप को प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। धन्यवाद। आइए इस वक्त हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। जितने भी इस वक्त में आराधनालय में हैं और YouTube से भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हर एक कोई इस वक्त में अपनी आँखों को बंद करेंगे और पिता ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज के इस दिन के लिए। पिता, आज जो कि पिता परमेश्वर आज हमें इस संगति में लाया है, आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग जीवित प्रेमी पिता परमेश्वर, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस आशीषित दिन के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे पिता, जो कि पिता आपने हम सबके जीवन में पिता आज इस दिन को दिया है। सचमुच पिता परमेश्वर हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन पिता परमेश्वर आपने आज के इस दिन को देखने का सुअवसर, इस समय को, इस समय को हम सबके जीवन में दिया है पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच पिता परमेश्वर हम मर मिट नहीं गए, वरन प्रभु ये आपकी महान करुणा का फल है पिता कि आज हम जीवित पाए जाते हैं। धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए पिता परमेश्वर कि प्रभु आपने हमें फिर से पिता एक संगति में जोड़ लिया है पिता। हाँ पिता, हम आपकी संगति में आ पाते हैं सचमुच पिता परमेश्वर, जब तक पिता का आत्मा आकर्षित ना करें कोई पुत्र के पास नहीं आ सकता। सचमुच पिता यीशु आपने हमें आकर्षित किया है और इस जगह पर पिता परमेश्वर हमें खड़ा किया है कि पिता हम आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें। सचमुच पिता परमेश्वर हम इस योग्य नहीं, लेकिन पिता आपने हमें पिता परमेश्वर इस योग्य बनाते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, इस समय में पिता हम आपकी उस पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु। आइए पिता, पवित्र आत्मा अपने उपस्थिति से इस जगह को भर दे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अपने पवित्र उपस्थिति हर एक के जीवन में देना पिता। हाँ प्रभु, हम ऐसा आपसे मांग करते हैं पिता, हर एक अपने आत्मा से जोड़ लेना पिता। हम धन्यवाद करते हैं यीशु, हम पिता परमेश्वर आपने हमें अपने आप से जोड़ लिया है पिता, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। सचमुच पिता, इस जगह को आपने अपने आत्मा से भर दिया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ उनके बीच में होता हूँ, और निश्चय ही प्रभु आपने अपनी उपस्थिति कुछ जगह पर दिया है पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम अपने गुनाहों के लिए, पापों के लिए पिता हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सोच से, विचार से, कर्म से,
अपने व्यवहार के द्वारा और पिता परमेश्वर आपकी आज्ञाओं को ना मानने के द्वारा प्रभु जी हमने आपकी दृष्टि में पाप किया है प्रभु, तो हमें क्षमा कर पिता। है पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर, अपने पवित्र लहू से धो, हमें शुद्ध कर पिता पर। और पिता इस वक्त पिता हम आपको पुकारते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी उपस्थिति को देकर हमसे बातें करना प्रभु। और इस समय में पिता परमेश्वर हमारे कंठों को खोल पिता। जब प्रभु हम आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, तो पिता आपकी वो अपवित्र आत्मा हमें अगुवाई करे। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सेवकाई के लिए पिता, प्रार्थना सेवकाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ जुड़े हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु हमारे अगुओं के लिए, सिस्टर स्थित ब्रदर राज के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं आज की वचनों की उद्घोषणा के लिए भी प्रभु, हम आपसे आशीष चाहते हैं जिसे प्रभु आपने चुना है ब्रदर राज को। है पिता परमेश्वर उनके मुख में होकर प्रभु आप बोलना मेरे पिता, उनके मुख का अभिषेक कर प्रभु। हाँ पिता हमें जो बातें प्रभु हमें सिखलाना, हमें बतलाना चाहते हैं, जो शिक्षा की बातें प्रभु हमें बतलाना चाहते हैं प्रभु, उसके द्वारा हम आशीषित होने पर पिता। हाँ प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अंतिम प्रार्थना को भी प्रभु आपके हाथों समर्पित करते हैं। हर एक को आशीषित करना पिता परमेश्वर, उसके द्वारा भी हम आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं कि पिता हर एक बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए इस जगह से प्रभु। हम यीशु के नाम से हर एक दुष्टता की बातों को प्रभु हम दूर करते हैं। और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यहाँ आपकी उपस्थिति, आपकी आत्मा की उपस्थिति इस जगह पर होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं आपकी महान करुणा, आपकी महान आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। और फिर से प्रभु जी इस जगह पर अपने नियंत्रण को मांगते हैं पिता, हर एक चीज पर आपका नियंत्रण होने पाए। और प्रभु हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं पिता। इसे दया से सुनकर अपने स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए इस घड़ी फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति के गीतों को गाएंगे। धन्यवाद करें
अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें, अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें, जो है सिफ़ार जा उसकी प्रशंसा करें, जो है जग त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा, जो है जग त्राता और तारनहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके पाठकों में स्तुति करें और ललकारे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें, उसके पाठकों में स्तुति करें और ललकारे, उसके पाठकों में स्तुति करें और ललकारे। महान सामर्थ्य जीते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता इस समय के लिए कि इस समय में आपने हमारे मध्य उपस्थित होकर हम सबकी सहायता किया, मदद किया पिता, कि हम आपके इस स्तुति के गीतों को गा पाएं। पिता परमेश्वर, आपके इस महान कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद के साथ पिता, जबकि इस समय आपके जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं पिता, इस समय का नियंत्रण आपके हाथों देते हैं पिता, आपके दास भाई राज को आपके हाथों समर्पित करते हैं पिता। आज के दिन में आपने उनके शरीर को चुना पिता, उनके मुख के माध्यम से आज हम सभी अपने बच्चों से बातचीत करना, और जो बच्चे आज आपसे मिलने आए हैं आपके दास के माध्यम से आज आपसे मिल पाए हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। और आज के सारे प्रोग्राम को आपके हाथों समर्पित करते हुए, सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए, हर एक एक प्रार्थना को आपके हाथों समर्पित करते हुए पिता, यह प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, इसे सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। Thank you.
आज का यहाँ के लिए ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने हमारी अगुआ अपनी प्रिय बेटी सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिस वचन को हम पाते हैं भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ 118 वचन संख्या 18 से 29 तक। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया है। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर में से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय ईशु ईशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे। कि हे दयालु पिता, हे ईश्वर और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना परिवार के लिए, ऐसे जितने सेवकाई हैं, चर्चेज हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, आराधक हैं, सहयोगी सेवक हैं या जिस रूप से भी सेवकाई में योगदान करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने जीवन के लिए, अपने जीवन से जुड़े हर बात, हर कार्य, हर लोक के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो आपका चुनाव है मेरे प्रति, उस चुनाव के लिए और हमारे जीवन में जो दुर्बलताएं हैं, उस दुर्बलताएं के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे प्रभु, जितने लोग जहाँ से मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। कि हे पिता, तू जानता है कि हम सब में कितनी कमियाँ हैं प्रभु, इसके बावजूद भी तू हमसे बातें करता है, हमारा चुनाव करता है, हमें इस्तेमाल करता है, इसलिए तुम्हें धन्यवाद करते हैं। या ये प्रभु, फिर से हम सबको शुद्ध और पवित्र कीजिए ताकि जो आपका जीवित वचन हम सुनने और सुनाने जा रहे हैं उसके लायक होने का प्रयास करें। कि हे पिता, यीशु के नाम से हम सबको हमारे सारे गुनाह पाप से हमें मुक्त और शुद्ध और पवित्र कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता की गर्व से लेकर अब तक तूने हमें संभाला और हमारी हर एक छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को भी पूर्ण किया, इसलिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस वक्त फिर से नए सिरे से तू हमसे बातें करेगा और अपने बच्चों को आज स्वतंत्र करेगा पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब कुछ यीशु के नाम से समाप्त करते हैं और धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, भजन संहिता स्तोत्र ग्रंथ
118, 18 से 29। परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में ना किया। मेरे लिए धर्म के द्वार खोले, मैं उनमें प्रवेश करके याह को का धन्यवाद करूं। यहोवा का द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सीरा हो गया। यह तो यहोवा की ओर से हुआ है, यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, बिनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, बिनती सुन, सफलता दे। धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आते हैं। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है, यहोवा परमेश्वर, और उसने हमको प्रकाश दिया है। यज्ञ पशु की वेदी के सिंह से रस्सियों को से बांधो। यहोवा, हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझको सराहूंगा। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा बनी रहेगी। परमेश्वर ने बड़ी ताड़ना तो की, परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं किया। देखिए, अभी का जो समय चल रहा है, अभी जो स्थिति है, और तकरीबन जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, कनेक्ट हैं इस वक्त, यूट्यूब में हैं या आराधनालय में हैं, जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई समस्या ना होगा। और परमेश्वर का, पिता ईश्वर का चुनाव ही करने का एक अद्भुत तरीका है। वो जब चुनता ही है तो तिरस्कृत लोग को चुनता है, अपमानित लोग को चुनता है, दबित, कुचले हुए लोग, छोटे तबके के लोग, जिसको कोई नहीं पूछता है, उसी को वो चुनता है, जिसका कोई साथ देने वाला ना हो। जो बेसहारा हो उसका वो सहारा बनता हो, जो अनाथ हो उसका वो नाथ बनता। लेकिन जब हम गरीबी में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हम तन्हाई में होते हैं, हम जब बीमारी में होते हैं, किसी न किसी समस्या में जब होते हैं, तो हमें लगता है कि पिता जो हमसे प्रेम करता है, पिता जो हमने, जिसने हमारी रचना की है, पिता जो, जिसकी हम आँख की पुतली हैं, वो हमें इतना प्रताड़ित क्यों कर रहा है, वो हमारी ताड़ना क्यों कर रहा है। हालेलुया, ये सबके मन में चलता है, जहाँ से आज ये सवाल शुरू है कि मेरे जीवन से ये नकारात्मक शक्ति क्यों नहीं जा रही है, मैं ही इतने दिन से परेशान क्यों हूँ, मेरी जॉब क्यों नहीं हो रही है, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, मैं मोटी क्यों नहीं हो रही हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हो रही। सबके जीवन में कुछ ना कुछ समस्या है। कुछ बहनें हैं जो सोचती हैं गोरी क्यों नहीं हो रहा, ये भी समस्या है। तो हर आदमी के लाइफ में डिफरेंट समस्या है, लेकिन हम इस समस्या को ताड़ना का नाम देते हैं। क्या देते हैं? ताड़ना। जैसे बुजुर्ग माँ पिता है, आज मैं कहीं पढ़ रहा था कि जब बच्चे रोते हैं तो पूरा अपार्टमेंट, पूरा मोहल्ला, पूरा लोग जानता है कि छोटा बच्चा रो रहा, लेकिन जब माँ बाप बुढ़ापे में रोते हैं तो कोई नहीं जानता, वो किसी समस्या में है, वो गरीबी में है, वो तकलीफ में है,
वो किसी भी समस्या में है तो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन एक बच्चा रोता है तो पूरा मोहल्ला जान जाता है कि वो बच्चा रो रहा है। तो जो बुजुर्ग है उसको लग रहा है कि हमारी ये स्थिति क्यों है। जैसे आज मैं निकलने लगा तो मेरी माँ बोली, मेरा घुटना का दर्द तो ठीक हो गया लेकिन कमर वाला हो गया, या कुछ बोली, कमर का ठीक हो गया घुटना में पहुंच गया। मैंने कहा कुछ तो दर्द होना चाहिए जीवन में, दर्द नहीं होगा तो आप ईश्वर को याद कैसे करेंगे। तो वो भी हंसी, हम भी हंसे और चल दी। दर्द होना चाहिए ना। अगर आपके पास कोई समस्या नहीं होगा तो आप प्रभु को याद करोगे? ऐसे कितने लोग हैं? नहीं है ना, के बराबर लोग हैं। मेरे पास जितने लोग आते हैं वो कामयाब हो गए, सेटल हो गए, अपना चलते गए चलते गए चलते गए। वो अब साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार याद करते हैं, महीना में एक बार याद करते हैं, या कभी कोई बात हुआ तो याद करते हैं। अब फिर किसी नए समस्या में आएंगे तो फिर वो आएंगे, मेरे पास नहीं आएंगे, वो प्रभु के पास आएंगे, माध्यम मैं हूं इसलिए मेरे पास आएंगे। तो ये जो ताड़ना शब्द का जो प्रयोग किया गया यहां, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की परंतु मुझे मृत्यु के वश में नहीं छोड़ा। जिस आदमी को भी ये लग रहा है कि उसके जीवन में समस्या है, वो बहुत पड़ताड़ित है, उसको ये समझना चाहिए कि आपका जीवन और खराब हो सकता था, आप मर सकते थे। आपकी जो समस्याएं हैं अगर प्रभु छोड़ देता तो आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। कोई आदमी अगर कोरोना होके बच गया होगा तो ये ताड़ना था कि आशीष था उसके जीवन में, आशीष था ना, बच गया है कि नहीं। लेकिन उस समय तो वो खूब भला बुरा सुना रहा होगा प्रभु को कि प्रभु मुझे कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। अच्छा, कोरोना में एक और समस्या था, कोई जान गया कि कोरोना हो गया तो लोग सोच रहा था पक्का पापी आदमी है ये। लोगों के मन में, हालांकि क्रिश्चियन समाज में ही ज्यादा था कि जिसको कोरोना हो गया वो पक्का पापी आदमी है या कुछ गलत हो गया है, क्योंकि वो तो पढ़ा है कि अगर पाप किए हैं तभी रोग होता है, यही उसको याद है, बाकी बाइबल तो उसको ध्यान है नहीं। तो उसका पड़ोसी भी समझा रहा है पक्का पापी है वो, इसीलिए कोरोना हुआ। तो जो भी ताड़ना, जो भी हमारे जीवन में समस्या है जिसको हम ताड़ना समझते हैं, जो जब ये दिमाग में आपके आए तो आपको ये समझना है कि नहीं, इससे भी बुरा हमारे जीवन में हो सकता था। और ये जब रचनाकार, जब लेखक जो लिख रहे हैं, उनका क्या नाम है, भजन संहिता कौन लिखा है आधा से अधिक, दाऊद। दाऊद जब ये लिख रहे होंगे तो वो अपनी व्यथा लिख रहे होंगे। कब लिख रहे होंगे, अब सोचिए दाऊद के जीवन पर थोड़ा सा देखिए फिर चलेंगे। दाऊद का जब अभिषेक हुआ, अभिषेक होने के बाद दाऊद राजमहल में रहने लगे कुछ समय तक, साउल के साथ रहते थे। आप लोगों को याद होगा कि वो वीणा बजाते थे, साउल के ऊपर जो दुष्ट आत्मा आता था वो भाग जाते करता था। उसके बाद एक समय आया कि दाऊद भैया गोलियत को मारे, और गोलियत को मारने के बाद साउल और उनके बीच में द्वंद्व शुरू हो गया। ये द्वंद्व होने के बाद जब साउल ही उनको मारना चाहें दाऊद को, तो उनकी जीवन कैसी रही है, कभी आप बाइबल पढ़े हैं तो देख आपको समझ में आएगा। दाऊद कभी तोरपा में छुपते थे, आपके भाषा में है ना, वहां गए, वहां 10 आदमी 20 आदमी के साथ रहें, वहां जंगल में रहें, वहां लकड़ी से खाना बनाए, देंता पकड़े, रुगड़ा उखाड़े खाएं, है ना, वो खाएं वाएं। फिर साउल को पता लग गया कि अच्छा दाऊद भैया वहां है, फिर घोड़ा पहुंचा, वहां पहुंच के फिर उसका, तब तक दाऊद का सिपाही बताया साउल पहुंच गया है। अब दाऊद के साथ समस्या क्या था कि दाऊद साउल पर हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो अभिषेक मेरा हुआ है वो प्रभु की तरफ से हुआ है, तो प्रभु अपना उचित समय पे निकालेगा। जितने भी प्रभु के दास हैं वो खुद काम नहीं करना चाहते। मुझे याद है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति से मुझे परेशानी हो रही थी, और मैं सिस्टर एस्थर को कह रहा था कि ये आदमी रहेगा तो सेवकाई खराब कर देगा, ये प्रभु के मार्ग पे नहीं चल पा रहा है। हम सबके जीवन में दुर्बलताएं हैं, लेकिन कर्तव्य के प्रति निष्ठावान जो व्यक्ति नहीं है वो सेवकाई में कैसे रहेगा।
पूरा का पूरा लोक खराब कर देगा इसके चक्कर में। ना डिसिप्लिन है, ना मैनर है, ना सिस्टम है, ना कटसी है, ना अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर पा रहा। मैं बार बार कहता था कि सिस्टर एस्थर इसका कुछ कीजिए, सिस्टर एस्थर कुछ कीजिए। वो कहती थी प्रभु बोल रहा है कि मैं उचित समय आने पे इसका खुद ही कर दूंगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन उस दरमियान तक पहुंचने में किसी को कितना कष्ट होता है उसको मैं जरा सांसारिक शब्दों में, भाषा में मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। हालांकि वो जो व्यक्ति विशेष थे हमारे साथ, वो कुछ दिनों पहले, कुछ वर्षों पहले अचानक स्वतः ही हमें छोड़ के चले गए, मतलब मरे नहीं, सेवकाई छोड़ के चले। क्या हुआ? सिस्टर एस्थर को लड़ना नहीं पड़ा, मुझे लड़ना नहीं पड़ा। दाऊद इस बात को भली भांति समझ रहा था। और मैं एक घटना और बताऊं जो पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है। यीशु, मेरे प्यारे यीशु, आदरणीय यीशु, इस बात को जानते थे कि पतरस इनकार करेगा, इस बात को जानते थे कि याकूब, ये यूदश मुझे पकड़वाएगा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने से बाय फोर्स कुछ नहीं किया उसके साथ, वो ईश्वर को काम करने दे रहे थे। तो जितने अभिषिक्त लोग हैं उनके जीवन में कठिनाई इसीलिए आती है कि पलटा लेना तुम्हारा काम नहीं है, पलटा लेना किसका काम है? ईश्वर का काम है। तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा पड़ोसी नहीं, तुम्हारा दुश्मन अगर भूखा हो तो उसको क्या करो रोहित भाई? खिलाओ, पानी पिलाओ, है ना, एकदम मटन बनवाओ, चिकन उकन बनवाओ, खिलवाओ, खिलाओ, आराम से खिलाओ और पानी भी पिलाओ। ऐसा करके क्या करते हो? तुम उसके सिर पर अंगार डालते हो। तो दाऊद की कितनी ताड़ना हो रही थी, जो ताड़ना शब्द आप जो समझ में आ रहा है ना। तो दाऊद जैसे तोरपा में दाऊद छुपे हुए हैं, पता लगा, जैसे मैंने बताया ना, घोड़ा का आवाज निकाल के, घोड़ा ऐसे ही बोलता है ना, दौड़ता है ना। वो पहुंचा, उसका गुप्तचर बोला कि दाऊद दाऊद, साउल फिर तुम पे हमला करने वाला है, फिर वहां से उठा, अब कोलेबीरा में जाके छुपा हुआ है। चार दिन बाद वहां छुटा, अब वहां जंगल में छुपा हुआ है। किसी को बुलाया, जंगल वाले से बुलाया, उसको बुलाया, नहीं कुछ मिला तो देंता फ्राई हो रहा है ना, बांस का अचार मिल रहा है। अच्छा, जंगल में क्या मिलेगा? यही सब मिलेगा, कुछ खा रहा है, मेढक बॉयल कर रहा है, कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। लेकिन सोचिए, इतना बड़ा अभिषिक, इतना बड़ा भजनकार, बाइबल में 25% भजन संगीता इतना मोटा पुस्तक है, उसको लिखने वाला। और दिनाकरन साहब को जो मैं पढ़ रहा हूं और जान रहा हूं, तो दिनाकरन साहब बोलते हैं कि स्वर्ग में भी उसका कुटिया है, वहां भी भजन कर रहा है। उतना प्रसिद्ध आदमी, उतना बड़ा अभिषिक्त आदमी, उतना बड़ा प्रभु का भक्त, उतने बड़े कष्ट में, है ना। फिर साउल को पता लगा कि कोलीबीरा में, पता लगा वहां से निकल के गुमला में। ये कैसा जीवन हुआ होगा दाऊद का? और पता है कितने वर्षों तक ऐसा जीवन रहा दाऊद का? लेकिन इस क्रम में दाऊद, इस क्रम में कितनी बार गुफा में छुपा, कितने बार क्या हुआ, कितनी बार साउल उसके हाथ लगा, लेकिन साउल को वो मारा नहीं, क्योंकि वो कहता था कि प्रभु के अभिषिक्त को हम नहीं मारेंगे। ये आज गिर सकता है, गिरना उठना किसके हाथ में? ईश्वर के हाथ में है, तो ये दास प्रभु का, इसलिए हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये बात वो जानता था। लेकिन कभी आप इस बात को सोच के देखिए कि ये जो दाऊद के जीवन में जो ये समस्याएं चल रही थी, ये जो परेशानी चल रही थी, उसके भी मुंह से तो ये निकल गया होगा ना कि प्रभु तूने, परमेश्वर ने मेरी बड़ी ताड़ना तो की, लेकिन मुझे मृत्यु के बस में नहीं छोड़ा। इसी पे दाऊद ने ये लिख बैठ। आज आपके जीवन में ये समस्या है, लेकिन आपकी ताड़ना हो रही है, आप किसी दुर्लभ परिस्थिति में है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आप मरने वाले नहीं है, आपकी, आपका हानि नहीं हो सकता है। एक प्रक्रिया है, मैं एक शॉर्ट्स हम लोग डाल रहे हैं, जिसमें हम, जिसका नामकरण हमने किया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, कि दुख कामयाबी का मार्ग है।
हालेलुया। दुख कष्ट कामयाबी का मार्ग है, वो सफलता की सीढ़ी है, आप बगैर उसके चल ही नहीं सकते, पहुंच ही नहीं सकते। आपको याद होगा अय्यूब के जीवन में इतनी समस्याएं आई, इतने कष्ट आया, जिसको सारे लोग बोल रहा था कि ईश्वर तुमसे नाराज है, तुमको छोड़ दिया, तुम परेशानी में हो, तुम्हारी ताड़ना हो रही है। लेकिन अय्यूब इस बात को जानता था कि जब तक प्रभु चाहेगा नहीं, हम मर नहीं सकते। आपके जीवन में जितनी भी कष्ट है, जितनी भी विपत्ति है, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है। निश्चिंत रहिए, आप मरने वाले नहीं हैं। और प्रभु नए नियम में कहता है कि मैं किसी को उतना दुख नहीं देता हूं जो उसके सहन से योग्य नहीं। वो जानता है कि आपको कितना ताड़ना देना है, वो जानता है कि आपको कितने देर तक दुख रूपी भट्टी में रखना है, वो जानता है आपको कि कैसे निकाल के बाहर ले जाना। लेकिन क्या करे दोस्त, ये बनाने का प्रक्रिया है उसका, आपकी बनावट हो रही है। किसी को, बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं कि भैया कब अंत होगा। मैं कहता हूं मुझे नहीं पता है। नहीं पता होने के पीछे कारण है, बहुत सारे लोग स्वर्गीय आशीष के लिए तैयार किए जा रहे हैं। अब जो स्वर्गीय आशीष के लिए तैयार किया जा रहा है, उसका यहां हो सकता है कि जीवन भर उसको सुख ना मिले। बहुत सारे लोग हैं कि संसारिक आशीष और स्वर्गीय आशीष दोनों के लिए तैयार किए जा रहे हैं, तो हो सकता है कि उनका यहां संसार में सुख मिले और स्वर्ग भी मिले। लेकिन अब आप किस प्रक्रिया में डाले गए हैं आपको नहीं पता है। लेकिन जितनी बड़ी दुख उतनी बड़ी महिमा होगी, ये तो मैं जानता हूं और ये तो सब लोग जानता। और ये सिर्फ उसी के साथ होता है। किसके साथ होता है? तो लिखता है 22 में कि जिस राज मिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया, वो किने कोने का सिरा हो गया। यह बात बाइबल में किसके लिए कहा गया है आपको आइडिया है? यह बात बाइबल में हमारे प्यारे यीशु के लिए कहा गया। यीशु को यहां के सारे लोगों ने तिरस्कृत किया और उन लोगों को लगा कि यह किसी काम का नहीं, ये किसी भी लायक नहीं है ना। उस पत्थर के समान जो घर बनाने के लायक भी नहीं है, नाली बनाने के लायक भी नहीं है, पुल बनाने के लायक भी नहीं, इसको फेंक दिया जाए, है ना। यीशु को ये लोग तिरस्कार किया, मारा, पीटा और फेंक दिया। लेकिन लिखता क्या है कि वही पत्थर कोने का सिरा हो गया। कोने का सिरा किसको कहते हैं? जहां एक कोना पे हम लोग अपने भगवान को, अपने देवता को, अपने ईश्वर को रखते हैं और सुबह से शाम तक देखते हैं, ये हो गया। दूसरा, हर घर में कोना होता है, कॉर्नर होता है, जो बाउंड घर को कनेक्ट करता है, वो बेस होता है। बाउंड अगर कम बिल्डिंग की भाषा में कहें तो वो पिल्लर है, वो जिस पे जाके पूरा घर टिका हुआ। दोनों ही तरीका से इस बात को समझिए। तो प्रभु क्या कह रहे हैं कि आप जो आज अपने आप को तिरस्कृत समझ रहे हैं, आप जो अपने आप को समझ रहे हैं कि हम ताड़ना में हैं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे जीवन बदल नहीं रहे हैं, कह रहे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले तो रिलैक्स हो जाइए। ये जो समस्याएं, ये जो दुख, ये जो कष्ट, ये जो परेशानी आपके जीवन में है, ये इतनी भी नहीं है कि आप मर जाइएगा, क्योंकि ईश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ईश्वर आपका चुनाव छोड़ने के लिए नहीं, कहीं पहुंचाने के लिए किया है। अगर छोड़ना रहता तो कब का छोड़ दिया रहता। तो जिसको ईश्वर छोड़ता है उसके जीवन में विपत्ति नहीं आती, ये बात जानिए। आज एक गाना गा रही थी फुलमणि दी, जो डाली, क्या गाने का लाइन था, जो डाली नहीं फलती उसे वो छांटता है और डांटता है, है ना। तो छांटना और डांटना हो रहा है, इसका मतलब कि आपको फलवंत किया जा रहा है। हालेलुया। अगर ताड़ना हो रही है तो ये अच्छी बात है। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग क्रिमिनल हैं,
गलत ढंग से पैसा कमाते हैं, एक दो महीना, चार महीना, दस महीना में खूब तरक्की करते हैं, अचानक से तरक्की करेंगे, जैसे वो बरसात में पौधा नहीं निकलता, एक दो महीना में अचानक से पौधा निकलेगा, फिर बरसात के बाद क्या होता है, वो पौधा गायब हो जाता है। तो वैसे ही जो लोग गलत करके पैसा कमा रहे हैं, हो सकता है कि वो आपसे, जंगली पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है, बाइबल भी कहता है, तो हो सकता है कि वो आपके बहुत तेजी से बढ़ गए होंगे, लेकिन बाइबल के अनुसार उनकी छटनी नहीं होती है, वो सीधा का सीधा बर्बाद किए जाते होंगे। आप सुनते हो ना, फलाना सिंह है, फलाना आदमी है, जिससे पूरा शहर, फिर पूरा गांव खौफ खा रहा है, अचानक किसी दिन न्यूज में देखिएगा नगरपालिका का ट्रैक्टर पे बॉडी लोड करके उनका जा रहा है, सुने ना ऐसा, या पुलिस ग्राउंड में जहां पुलिस का झंडा वंडा लगा रहता है उस पर नीचे सुलाया रहता है, फोटोग्राफी होता रहता है, ये कौन थे, तो बहुत बड़े आदमी थे, कितने लोग डरा करते थे इनसे, इनका काम हो गया। वो क्या हुआ, उनको छटनी नहीं की गई, उनका समापन किया गया। हालेलुया, उनकी छटनी नहीं हुई, छटनी तो उसकी होती है जिसका विकास करना है, जिसका विकास नहीं करना उसकी छटनी नहीं होती। तो जो आपके जीवन में समस्या चल रही है, अभी मैं बात कर रहा था सिस्टर एस्थर से, तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, हम लोग ये बात कर रहे थे, डिप्रेशन में है, नकारात्मक शक्ति से जूझ रहे हैं, बोल रहे हैं मेरे ही जीवन का ये ऐसा क्यों हो रहा है, प्रभु मेरे ही ताड़ना करता रहता है। ताड़ना मतलब गुड न्यूज है, आपके साथ कुछ भला होने वाला है, और आपको अगर शैतान समझा रहा है कि तुम बच नहीं सकते हो, तो दिमाग में ये बैठाइए कि आप बचे हुए, आप मरे नहीं हैं। हालेलुया। और मैंने आपको जो लिखा है उसी की कहानी बताया आपको, कि दाऊद के साथ कैसी घटना घटी हुई होगी, कि 13 साल और 14 साल की उम्र में जो आदमी, जिस आदमी का अभिषेक किया गया, वो जाके 22 साल 25 साल और 30 साल की उम्र में राजा बना, और पहली बार जब वो राजा बना तो 4-5 नगर का राजा बना था, पूरे देश का राजा नहीं बना था, और वहां जो बाकी देश का राजा था, मतलब यरूशलेम जो था, जिस देश का वो जो राजा था, वो 2-3 टुकड़े में बटा हुआ था, ये बात तो आप लोग जानते ही नहीं, कोई बताया ही नहीं। तो पहली बार जब वो राजा बना तो कुछ खास जिलों का राजा बना, 3-4, और बाकी जिलों का राजा कोई और था वहां, जो कि साउल के परिवार से लोग का था लोग, और ये दोनों आदमी में अक्सर लड़ाइयां होती करती थी, कितने सेना मरे, कितने लोग इनके पक्ष में जाते थे, कितने लोग उनके पक्ष में जाते थे, और बहुत सालों के बाद, मतलब दाऊद की उम्र 35 या 40 साल हुई, तब जाके पूरे देश पे उसका राजा बना वो, और एक पहाड़ है जहां जाके उसका घर बनाया हुआ। तो इस बीच में तो उसको हमेशा यही लगता होगा, कौन सा अभिषेक है ये, झूठ मूठ सामुएल नबी चले गए, तेल उलट के चले आए, कहां कुछ बदल रहा है, मैं तो भाग भाग के थक गया हूं, मेरी तो हमेशा ताड़ना ही होती है। हाँ ये नहीं सही है ना। और ये दाऊद को भी, अपने घर का दाऊद सबसे तिरस्कृत आदमी था, जो भी आता है बताता भी रहता, कोई पूछता भी नहीं था उसको घर में, जो काम किसी कोई नहीं करने वाला उसको पकड़ाया, जाओ रोटी पहुंचा के आओ, जाओ प्याज पहुंचा के आओ, जाओ बकरी चरा के आओ, जो अच्छा अच्छा लोग था वो दूसरा काम करता था, इसको डंप वाला काम दिया जाता था, इसलिए कि वो बेकार का पत्थर था। हाँ ये नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आपको लग रहा है कि आपके जीवन की समस्या समाप्त नहीं हो रही है, तो बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रभु आपके लिए धर्म का मार्ग खोल रहा है। लिखता है क्या है 19 में, मेरे लिए धर्म का मार्ग खोल दे, मैं उनमें प्रवेश करके याह का धन्यवाद करूंगा। मैं अपनी जीवन की कुछ घटनाएं बताऊं आपको। मेरा जब जन्म हुआ तो जन्म के कुछ समय बाद मैं अपने माँ बाप से अलग हो गया, अभाव की वजह से।
और मैं दादाजी जो कि दो भाई थे, तो दूसरे वाले दादाजी जो मेरे अपने दादाजी नहीं थे, वो मेरी परवरिश के लिए मुझे अपने साथ ले गए। तकरीबन 2-3 साल मैं उनके साथ रहा और रहने के बाद अचानक से उनको लीवर कैंसर हो गया उस समय। ये 90 की बात है, 90 की लीवर कैंसर हो गया और मुझे वहाँ से आना पड़ा और वो कुछ दिनों के बाद 91 में तकरीबन उनका देहांत हो गया, 1 या 1.5 साल के बाद। तो घर का जो बैकबोन था, जिसके माध्यम से हम लोग सोच रहे थे कि घर की गरीबी मिटेगी, घर के हालात मिटेंगे, जॉइंट फैमिली था, वो चला गया। और घर के जितने लोग थे वो सब उन्हीं पे डिपेंडेंट थे, कोई कुछ करना नहीं चाहता था। और मैं अपने जनरेशन का सबसे बड़ा बच्चा, तो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि ये घर चलेगा कैसे। लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे, मैं IAS बनूंगा, मैं IPS बनूंगा, मैं DM बनूंगा, मैं कलेक्टर बनूंगा, और मैं सोचता था कि शाम में भोजन कहाँ से आएगा। डिफरेंट सोच था मेरा। कुछ दिनों के बाद मेरी उम्र, उस समय जब दादाजी का देहांत हुआ तो मैं 7th या 8th में था, नहीं उससे भी कम था मैं, मतलब मुझे लगता है कि उससे भी कम मैं था। उसके बाद एक रेडीमेड कपड़े की दुकान खोली गई जो पापा चलाते थे। पापा बहुत अच्छे आदमी, वो उनके समाज सेवा में और उनके बाकी कर्म में, दुकान पे वो बैठते ही नहीं थे, वो दुकान टूटने लगी, तो मुझे 8th या 9th में उस दुकान पे बैठना पड़ा दुकान संभालने के लिए। लेकिन वो दुकान टूटती चली गई और हम लोग कर्ज में डूब गए, फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। इस कर्म में मेरा शिक्षा से नाता समाप्त होता चला गया, मैं शिक्षा से बहुत दूर हो गया। 9th और 10th, हाँ पापा चाहते थे कि मैं पढ़ूं, लेकिन रिक्वायरमेंट, ज़रूरत, या खैर मैं उतना अच्छा नहीं था कि पढ़ा के पढ़ लूं जैसे छोटा वाला भाई पढ़ा या बाकी लोग पढ़ा। तो मैं वहाँ से निकला और 10th पास करने के बाद, 9th के बाद मैं काम करने लगा, LIC बेचना, मछली का बिजनेस करना, मछली का बीज बेचना तालाब में जाके, उस समय JBG एक बैंक होता था उसका अकाउंट खुलवाना। ये 8th 9th की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इस क्रम में हुआ क्या कि जब मैं बाहर काम करने लगा तो मेरे जीवन में बैड हैबिट्स भी आने लगे, नशा करने का, लोगों से, चूंकि मैं बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा। मेरी उम्र थी 13 साल 14 साल की और दोस्ती मेरी 30 साल 35 साल 25 साल की लोगों से थी। अमीर बनने के क्रम में मैं बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलने लगा जो रोज रात में दारू पीते थे। संगति देना, सोसाइटी देना, अब मैं बहुत खराब आदमी हो गया था। तब तक मैं 10th+2 में लोग मुझे अनवांटेड और अजीब टाइप का लोग समझने लगे थे। मतलब ये स्थिति ये थी कि कोई लड़की मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, लफुआ आदमी है। और मैं भी अपना रंग रूप, दाढ़ी बनाना या उसी टाइप से रहना, मुझे याद है कि मैं अगरबत्ती दिखाया करता था बचपन में और अगरबत्ती का राख निकाल के ऐसे तिलक करके बुलेट से घूमता था, दाढ़ी रखा हुआ आदमी। अब आप सोचो कि दाढ़ी पे अगरबत्ती का राख का तिलक करके कोई बुलेट से घूमता होगा, कौन लड़की देखेगा उसके तरफ, है ना। तो मेरा आचरण बिगड़ता गया लोगों के नज़र में, समाज के नज़र में। लोग क्लीन से गोरा अंडरशर्टिंग करने वाला बच्चा पसंद करता है, यहाँ तक बटन बंद किया हुआ 9th 10th में जो बच्चा है सुबह शाम कोचिंग जा रहा है, पढ़ रहा है। और मैं सारा दिन सुबह 7 बजे घर से निकला, 8 बजे घर से निकला और रात में 10 बजे घर पे आ रहा। कब मैं 10th पास किया, कब मैं आगे का पढ़ाई किया, कहाँ छोड़ा कहाँ पकड़ा, अब तो मुझे याद भी नहीं। मुझे याद है, आप लोग कहते हैं कि कोई आदमी कैसे खुश रहता है, 10th के बाद वो दुकान बंद हो गई और मैं ये जो सोलिंग का काम होता है घर का, गली का जो सोलिंग होता है नगरपालिका से लेना, वो मैं लेना शुरू किया।
वो भी मेरे चाचा उस समय बोले कि इतना छोटा बच्चा टेंडरिंग क्या करेगा, तो वो पता नहीं क्या किए कि वो अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिए और उसके बाद मैं लुधियाना चला गया काम के तलाश में। मैं वहाँ गया, वहाँ काम समझ में नहीं आता था क्योंकि वहाँ हम जैसे लोगों को कोई काम क्या देगा, किसी दुकान में काम देगा, किसी फैक्ट्री में काम देगा, और बचपन से छोटा काम करना मेरी सोहबत में नहीं थी। तो मैं किसी के हाथ नहीं लगा और वहीं मैं फ्रेंचाइजीज लिया। ये मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं प्लस टू या ग्रेजुएशन के टाइम पे था, किसी बाहरी शहर में जाके, और उस समय बैंक का लोन कराना बहुत बड़ा कठिन काम हुआ करता था। ICICI बैंक नई नई सिरे से आई थी, स्प्लेंडर गाड़ी नहीं आई थी, तो मैं इन लोगों का लोन कराता था और गाड़ी को एजेंसी लेके बेचता था, मतलब एजेंट का काम करता था लोन कराने का भी। इसमें मैं किसी का नौकरी नहीं करता था, मैं खुद का मालिक था। दो चार लड़के मिल के ऑफिस खोले थे, और जब मैं पैसा घटता था तो क्या करता था बहुत कम लोग जानते थे, जो मैं आज बता के जाऊं, मैं ड्राइवरी करता था। लुधियाना से कोई बड़ा लोग कहीं जा रहा है तो वहाँ बहुत अमीर अमीर लोग हैं, BMW और ये सब गाड़ियाँ हैं, तो वो लोग कनेक्ट में था कि चलो भाई चलो घूम के आते हैं। तो वो लोग क्या करता था उस समय, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, अगर आप दो रात तीन रात के लिए दिल्ली जा रहे हो, छोड़ने जा रहे हो, आ रहे हो, एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे हो, तो पर डे 1000 रुपया, 500 रुपया या जिस तरीका सा था, तो एक दिन दो दिन का हम लोग साइड में लगाते थे तो 2-3 हज़ार रुपया आता था। महीना में दो तीन दिन ऐसा लगा दिए तो 3-4-5 हज़ार रुपया आ गया। और उसी क्रम में मैं गाड़ी बेचने प्रमोद भैया को गया था, जहां मुझे विश्वास का वरदान मिला। आप कभी सोचते हैं कि कोई आदमी पुलपिट पे आ रहा है या किसी आदमी को प्रभु अभिषेक दे रहा है, उसी को अभिषेक क्यों दे रहा? दाऊद जब लिखता है ना कि मेरी ताड़ना तो हुई राज की, मेरी ताड़ना हो रही थी, लेकिन प्रभु ने क्या किया, मेरे लिए धर्म का मार्ग खोल दिया। मैं उनमें प्रवेश करके यह का धन्यवाद करूंगा। ईश्वर ने मेरा उस परिस्थिति में भी एक धर्म का नया मार्ग खोला और मैं ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का काम करने लगा। और वहां से भी ऐसा नहीं हुआ, मेरी खुद की गाड़ी जो स्प्लेंडर में एक महीना पहले लिया गया था, मैं उस पर घूमता था, वो चोरी हो गई। और एक लड़की जो मुझे वहां बहुत सपोर्ट करती थी, जो मुझे राखी बांधती थी, मेरी बहन थी, गग्गू नाम था उसका, उसको कैंसर हो गया और वो मेरी ही बाजू में दम तोड़ दी। और उसी को देखने के क्रम में मेरी गाड़ी स्प्लेंडर बाहर लगी हुई थी, टेम्परेरी नंबर, वो चोरी हो गई। आज लोग जब आके अपनी दुख भरी दास्ता सुनाता तो मैं हंसता हूं कि प्रभु अगर किसी को तैयार करता है तो कैसे तैयार करता है। मुझे कोई आदमी पसंद नहीं करता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे घर वाले भी, मेरे रिलेटिव्स भी, मुंह पे सब अच्छे अच्छे बोलते थे, लेकिन मेरे चाचे के बेटे जो हैं राहुल, जो अभी बैंक में PO है, उसको लोग पढ़ने वाला बोलता था। मेरा छोटा वाला भाई है, उसको लोग बोलता था अच्छा है, लेकिन पीछे में कभी भी लोग मुझे अच्छा से रिस्पोंड नहीं। हाँ, कहीं झगड़ा हुआ, कोई काम कराना है तो राज जरूर याद आया, लेकिन जहाँ सम्मान की बात हुई वहाँ मेरा नहीं नाम आया, वहाँ कुणाल का नाम आया, वहाँ राहुल का नाम आया। मुझे तो पीठ पीछे लफुआ ही कहा गया, क्रिमिनल ही कहा गया। मैं जानता हूं कि मेरे पीछे लोग क्या कहते हैं, आज भी जानता हूं, पहले भी जानता था। और इस क्रम में मैं भागता हुआ अपने आप को प्रमोट करने के क्रम में मैं लुधियाना पहुंचा, और जब प्रमोद भैया मुझसे मिले तब भी मेरे जीवन में भूचाल ही आ रही थी। गाड़ी चोरी हो गई, उस गाड़ी को खरीदने में प्रमोद भैया ने भी साथ दिया था, चूंकि मेरा ID था नहीं वहां का, तो वो भी साथ दिए थे। गक्कू जो साथ दे रही थी वो भी मर गई, और उसके बाद मैं घर वापस आ गया, मेरा वहां भी कुछ चला नहीं। मैं जब घर वापस आया तो जमीन का काम करना, रियल एस्टेट का काम करना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, बिजनेस करना, ये सारा काम मैं शुरू करके वहां पैसा कमाने लगा, और फिर से मेरी सारे काम चल दिए। लेकिन 2-3 साल के बाद
फिर से मेरे ऊपर केस हुआ और मुझे 2007 में वो घर छोड़ना पड़ा। कभी मुझे संभलने का मौका ही प्रभु नहीं दिया। और आज मैं इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि उस समय मेरी ये ताड़ना हो रही थी, मुझे संभलने नहीं दिया गया। नहीं तो अगर मैं किसी भी समय पे, मैं दो दो साल पे गिर जाता था, मैं तीन तीन साल पे गिर जाता था। जैसे मैंने बताया, मुझे लगा कि अब मैं लुधियाना में सेट कर जाऊंगा, गिर गया। मुझे लगा कि अब दुकान मेरी चल पड़ेगी, मैं गिर गया। मुझे लगा कि मेरी मछली का काम चल पड़ेगा, गिर गया। मुझे लगा कि अब JBG बैंक में मैं मैनेजर हो जाऊंगा, वो बैंक भाग गई। मुझे लगा कि कभी कोई मेरे जीवन में रहा ही नहीं मेरे साथ, और मेरे बारे में लोग क्या बोलता था मैं जानता था, लेकिन मैं किसी से लड़ा नहीं, किसी से कोई बात नहीं किया। मैं फेंका हुआ पत्थर था, तिरस्कृत पत्थर था। जब मैं दोबारा गया, मेरा काम सब ठीक चलने लगा। मेरी बड़ी बहन जो 3 साल मेरी बड़ी है, उनका 2007 में शादी करना पड़ा। जो भी पैसा मैं 8-10 लाख रुपया उस शहर में कमाया था, ये 2006-07 की मैं बात बता रहा हूँ, अपने शहर में मैं खूब पैसा कमाने लगा था, बड़े बड़े लोगों से मेरा लिंक हो गया था। उसी समय 2007 में मेरे ऊपर केस हुआ, और केस किडनैपिंग चार्ज हुआ, और भी बहुत सारे केसेस हुए। 2007 में मुझे घर छोड़ना पड़ा, और 2009 या 2010 में मैं रांची आ गया। कोई आदमी, मैं आज जब दाऊद को एक्सप्लेन कर रहा था तो प्रभु ने कहा कि दाऊद क्या, तुम अपना भी एक्सप्लेन करो, तुम भी तो भागते ही रहे जीवन भर, तुम भी तो निकम्मा ही थे, तुम्हारा भी तो यही हाल था, तुम्हारी तो, तुमको भी तो यही लग रहा था, समाज को भी यही लग रहा था कि तुम कभी सेटल नहीं होगे, तुम्हारी भी तो ताड़ना ही हो रही थी, तुम भी तो तिरस्कृत ही थे। और जब मैं रांची आया, 2002 साल में, 2.5 साल में दिल्ली में रहा, वहाँ मैं हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से केस लड़ रहा था। पापा मेरे मिसिंग हो गए, वो 40-45 दिन तक वो गायब रहे, मिले तो हाथ कटा हुआ मिला। उस परिस्थिति से परिवार को संभालना, लीड करना, ना कोई बिजनेस है, ना व्यापार है, ना कोई जॉब है, और वहाँ से फिर नया बिजनेस खड़ा करने रांची आना। और रांची में जब मेरा कारोबार 1 साल चलने लगा तो बिल्डिंग गिरना शुरू हो गया, एक्सीडेंट होना शुरू हो गया, और 12 में जाके मैं सिस्टर एस्थर से मिला। कोई आदमी ऐसे ही पवित्र आत्मा से जुड़ना नहीं जाता। किसी आदमी को पवित्र आत्मा देने के पहले, किसी आदमी को प्रभु अपना दास बनाने के पहले, किसी आदमी को प्रभु अपना प्रबंधक बनाने से पहले कई बार चेक करता है, कई बार उसे देखता है कि कहाँ ये टूटता है, कहाँ जुड़ता है, कितनी बार उसका शिकायत करता है। लेकिन प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में जितना भी ताड़ना दिया, लेकिन छोड़ा नहीं, मैं मरा नहीं, आज भी आपके सामने खड़ा हूं। मेरे लिए धर्म का मार्ग खोल दिया, ताकि 20 में लिखता है, यहोवा के द्वार यही है, इसमें धर्मी प्रवेश करेंगे। वो चाह रहा था कि हम यहाँ प्रवेश करें, इसलिए हमारे जीवन में तरह तरह की ताड़नाएं आ रही थी। और धन्यवाद करता हूँ उन तमाम लोगों के लिए जो मुझे नापसंद करते थे। मेरा किसी से लगाव नहीं हुआ, और मैं सत्य जानता था कि मैं ठीक दिखता नहीं हूँ, मैं गुंडा दिखता हूँ, मैं लफुआ दिखता हूँ, मैं क्रिमिनल दिखता हूँ, इसलिए मुझे कोई अपेक्षा ही नहीं थी किसी से, न लड़की की चाहत, न लड़का की चाहत। इवन भी मैं शादी भी नहीं करना चाहता था, पत्नी मेरी सुन रही होंगी, मैं शादी भी नहीं करना चाह रहा था। लेकिन प्रभु सब कुछ चाहा, प्रभु जो चाहा वो मेरे जीवन में हुआ। मैंने कभी अपनी इच्छा से अपने जीवन को नहीं जिया। मैं सेवकाई भी नहीं करना चाहता था, प्रभु ने सेवकाई करा दिया। मैं किसी महिला के साथ 1 घंटा नहीं बिताने वाला आदमी 12-12 घंटा सिर्फ महिला लोगों के साथ रहता। मैं अपना सारा काम नेचर से बियॉन्ड करता हूं, जो मेरी आदत नहीं है वो सारा काम मैं करता हूं। आप कभी, क्योंकि मैंने बहुत सारांश में कह के निकल गया, आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर किया, कभी डेप्थ में मैं अपनी ही कहानी सुना दूंगा तो आपको आपको लगेगा कि क्या है। जब भी मेरे पास लोग आते हैं, अपनी समस्या, अपनी समस्या, अपनी समस्या, अपनी समस्या, प्रभु हम जैसे लोगों को ही चुनता है,
और हम जैसे लोगों को ही सेटल करता है और हम जैसे लोगों को ही कोने का सिरे का पत्थर बनाता है, उसकी आदत यही रही है। आज यहां बड़े बड़े लोग आते हैं, बाइबल के ज्ञाता आते हैं, बड़े बड़े पद वाले लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि दीदी भैया इसका क्या होगा, और हम लोग जब बोलते हैं पवित्र आत्मा से सामर्थ से वो आश्चर्य करते हैं कि ये मेरे जीवन का भेद इन लोग ये कैसे जानते हैं। प्रभु की शक्ति, प्रभु का सामर्थ्य मंडराता है, काम करता है और आपका जीवन बदल देता है। लेकिन इस संदर्भ में प्रभु जो तोड़ता है, प्रभु जो आप जितनी आपकी ताड़ना करता है उसमें आपको बने रहना होगा। उसमें आगे कहता ना कि हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है। थैंक यू बोलते रहना होगा, आनंद से अपना काम करते रहना होगा क्योंकि आपको कुछ स्पेशल बनाने वाला है, वो आपको कुछ डिफरेंट बनाने वाला है जो सोसाइटी को समझ में नहीं आ रहा। मेरे मां बाप को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं प्रभु का दास बनने जा रहा हूं, मेरे रिलेटिव को नहीं समझ में आ रहा था कि मैं सेवकाई करने जा रहा हूं, कैसे पता होगा, जानते ही नहीं थे। यीशु कौन, क्रिश्चियन कौन, सेवक क्या, धर्म क्या, जाति क्या, कोई सोचता है कि मेरा बेटा डीएम होगा, कोई सोचता है कि मेरा बेटा दरोगा होगा, कोई सोचता है मेरा बेटा बैंकर होगा, कोई सोचता है मेरा बेटा ऑफिसर होगा, बिजनेसमैन होगा, कोई थोड़ी ही सोचता होगा हिंदू परिवार में कि मेरा बेटा प्रभु का दास बनेगा। जब मेरे दिमाग में नहीं आया होगा तो मेरे माँ बाप और रिलेटिव के दिमाग में थोड़ी ही आया होगा, कैसे आ सकता है, या मेरी पत्नी के दिमाग में कभी भी नहीं आ सकता ना कि मेरा हस्बैंड प्रभु का दास बनेगा। लेकिन इस संदर्भ में जो मैं 40 साल का जीवन जिया हूं और जितना मैं भुगता हूं और जितने तिरस्कार, जितनी ताड़नाएं, जितना डाउनफॉल, जो समस्याएं जो मैंने देखी है, जो प्रभु ने मुझे दिखाया है और दिखा के आज यहां बैठाया है, मैं कभी किसी से अपनी तकलीफ नहीं बोला, कभी किसी को अपनी समस्या नहीं बताया। मेरे अकाउंट में कितना पैसा हो आज भी मैं किसी को शेयर नहीं करता, आदत ही हो गई। मैं भूखा हूं नहीं बताता हूं, मैं प्यासा हूं मैं नहीं बताता हूं, मुझे प्यार चाहिए नहीं बताता हूं, मुझे सम्मान चाहिए नहीं कोई चीज हम लोग एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हैं, चूंकि प्रभु इतना ना समाप्त कर दिया हमारे फीलिंग को, डेड कर दिया, वो सारी अपेक्षाएं ही खत्म कर दी ताकि वो प्रार्थना उद्धव परिवार को चला सके। उसको ये राज चाहिए था, उसको पिछला राज नहीं चाहिए था। वो कहीं भी मुझे सेटल करता तो मैं वो राज हो जाता, लेकिन उसको सिर्फ ये राज चाहिए था जो पूरे दुनिया से लड़ता हुआ, गाली खाता हुआ, तिरस्कृत हुआ हुआ, अपमानित हुआ हुआ, एक एक पैसे की अहमियत समझता हुआ, एक एक लोगों की अच्छाई और बुराई को जानते हुए भी उसको गले से लगाता हुआ यहां पहुंचा है। उसको ये राज चाहिए। उस समय मुझे वो ताड़ना लग रहा था, लेकिन नहीं, प्रभु ने मुझे छोड़ा नहीं, बचाया और प्रभु मुझे यहां लेके आया। उस समय में भी आनंदित होके काम करता था, आज भी मैं आनंदित होके काम करता हूं। प्रभु ने मुझे क्या बनाया नहीं बनाया ये तो आप ही लोग जानिएगा, और आगे क्या बनाएगा नहीं बनाएगा आप लोग समझिए। लेकिन जितने लोगों को लग रहा है कि आज उनके जीवन में समस्याएं हैं, समस्या दोस्त वैसी कोई समस्या नहीं है जिसमें प्रभु ने आपका साथ छोड़ दिया। जब प्रभु ने दाऊद को नहीं छोड़ा, जब प्रभु ने राज को नहीं छोड़ा, तो प्रभु आपको भी नहीं छोड़ेगा। ये कष्ट, ये तन्हाई, ये परेशानी, ये दुख, ये समस्या आपके जीवन में निखार के लिए होता है। जब किसी मूर्ति पे छेनी हथौड़ी चलता है तो उसको तराशने के लिए चलता है। पिता ईश्वर आज हमारी ताड़ना कर रहा है या हमारे किसी समस्या में डाले हुआ है तो इसका मतलब हमें किसी शिखर पे पहुंचाना है, और वो सबसे ज्यादा उसी की ताड़ना करता है जिससे वो प्रेम करता है। इसीलिए प्रभु यीशु को उसने क्रूसित कर दिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रभु यीशु से प्यार करता था और वो चाहता था कि उसके नाम में ये सामर्थ हो जिसके नाम के द्वारा पूरा दुनिया पाप मुक्त हो जाए। इसीलिए उसने यीशु का चुनाव किया कुर्बानी देने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर आपसे प्यार करे, तैयार हो जाइए, आपकी कुर्बानी होने वाली है। नहीं तो आज से एक प्रार्थना करना शुरू कर दिए कि हे पिता हमसे प्यार नहीं करना,
छोड़ दे, मेरी जिंदगी 4 साल की खुशहाल होनी चाहिए, 4 साल 5 साल मुझे खूब खुश चाहिए, 10 साल मुझे खुशी चाहिए, मैं भी तुरंत अमीर बन जाऊं, ऐसा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे छोड़ दे, मुझे बहुत जल्दी बढ़ना है, मुझे जंगली पौधे की तरह विकसित होना है, ये ताड़ना वड़ना बंद कर दे, क्योंकि प्रभु जिससे जिससे प्यार करता है उसकी ताड़ना तो करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आपको फलवंत करना चाहता है, विकसित करना चाहता है और आपके लिए एक धर्म का नया मार्ग खोल रहा है, इसी में से होके धर्म में प्रवेश कीजिएगा। दाऊद के जीवन में उतना अगर कष्ट नहीं आता, उतनी अगर विपत्ति नहीं आता, इतना अच्छा भजनकार नहीं होता। हालेलुया, होता नहीं होता, इतने फीलिंग से स्तोत्र ग्रंथ को नहीं लिखता, इतने फीलिंग से भजन संहिता को नहीं लिखता। जब जब विपत्ति दुख आती है, पवित्र आत्मा हम पे छाया करती है, उसकी महिमा को हम महसूस करते हैं। जब मेरे पिताजी का हाथ कटा, मैंने देखा प्रभु के सामर्थ्य को, अपनी निगाहों से देखा, मेरे पिताजी को बचाते हुए मैंने महसूस किया, उनको डिप्रेशन से निकालते हुए मैंने महसूस किया, उनको खड़ा होते हुए मैंने महसूस किया, प्रभु ने काम किया। मेरे ऊपर बार बार पुलिस केस हो रहा था, मैं अरेस्ट नहीं हो रहा था, प्रभु को मैंने काम करते हुए अपने जीवन में देखा है। मेरे जो जानने वाले थे वो जेल गए, उनको निकालते हुए मैंने प्रभु को देखा है। मैंने अपने जीवन में गरीबी देखा, उस गरीबी से मुझे कार पे बैठ जाते हुए प्रभु को देखा है। मैंने मिट्टी घर से, आज मैं डुप्लेक्स में रहता हूं, आज पेंट हाउस में रहता हूं, उस जगह पहुंचाते हुए मैंने प्रभु को देखा है। एक निकम्मा आदमी, एक जिस आदमी को कोई पूछना नहीं चाहता था, उसका हाथ चूमते हुए मैंने प्रभु को देखा है कि आज लोग मेरा आके हाथ चूमता है कि राजबिया को छूना है, राजबिया को देखना है, राजबिया से मिलना है। लेकिन मैं अपने अस्तित्व को याद रखता हूं कि ये मेरा नहीं है, ये ईश्वरीय कृपा है जो मेरे जीवन में हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ईश्वरीय कृपा आपके जीवन में हो तो ताड़ना के लिए तैयार हो जाइए, अगर आप चाहते हैं कि ईश्वरीय कृपा नहीं हो तो विकसित हो जाइए, जैसे मैंने आपको बाकी उदाहरण को दिया। लेकिन जो आपको करना है वो बहुत कठिन काम है, आसान काम नहीं है। 1 घंटा में समझाना लाइफ को, मैंने बहुत सारांश में अपनी कहानी आज आपको बताई, लेकिन उस समय कैसे मैं जिया हूँगा, कैसे मैं जीता होऊंगा, मुझे समझ में आया होगा। तो जितने लोगों को आज डिप्रेशन है, कष्ट है, दुख है, वो प्रभु को धन्यवाद करे, क्योंकि आपके लिए एक ऐसा दिन आने वाला है, और आज का भी जो दिन है ये एक बेहतर दिन में तब्दील करने वाला है। अगर आपको लगता है कि ईश्वरीय आशीष आपके जीवन में होने वाली है तो कहिए, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें आप आनंदित हो, है ना। धन्यवाद कीजिए, खुश रहिए। आपके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति नहीं पड़ी है जो आपको लगता है कि अनोखा है। जितने लोग हिस्ट्री बरसते हैं, जितने लोग इतिहास के मुख को बनाने वाले हैं, उन सब का जीवन किसी को समझ में नहीं आता है, उनके माँ बाप को भी समझ में नहीं आएगा, उनके अपने लोगों को भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिस्ट्री मेकर का मतलब ही होता है कि वो दुनिया में ऐसा काम करने जा रहा है जो अब तक नहीं किया गया है, तो वो उसको ना प्रमाणित कर सकता है ना एक्सप्लेन कर सकता है। कैसे समझ में आएगा पत्नी को, कैसे समझ में आएगा माँ बाप को, कैसे समझ में आएगा भाई बहन को। यीशु हिस्ट्री बनाने जा रहे थे, कैसे समझाते किसी अपने रिलेटिव को कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो बार बार बता भी रहे थे, तब भी लोग नहीं समझ रहा था कि 3 दिन में मैं गिराऊंगा फिर उठा दूंगा इस भवन को। कोई समझ रहा था? नहीं समझ रहा था। वो बोल रहे थे कि मैं ईश्वर का पुत्र है, कोई मान रहा था? नहीं मान रहा था। चिन्ह दिखा रहे थे, चमत्कार दिखा रहे, क्योंकि उसके पहले ईश्वर का पुत्र, ईश्वर शरीर रूप धारण करके पृथ्वी पे आया ही नहीं था, वो हिस्ट्री था। तो लोग तो वही चीज मानता है ना कि जो होगा है, आंखों के सामने दिखा है। मेरे समाज में, मेरे परिवार में, मेरे जानने वाले में कोई भी आदमी क्रिश्चियन धर्म में आया ही नहीं था, विश्वास में आया ही नहीं था, सेवकाई किया ही नहीं था, कैसे कोई मानेगा कि मैं ऐसा होऊंगा या मेरे जीवन का कॉलिंग ऐसा होगा। आपके जीवन का भी जो कॉलिंग है, आपके जीवन का भी जो अभिषेक है, आपके जीवन में जो भी प्रभु ने पद रखा है, आप जिस कोने का पत्थर होने जा रहे हैं, वो किसी को नहीं समझ में आएगा। आप खुश हो जाइए,
लेकिन इस मार्ग में चलते चलते आप प्रभु को जरूर जान जाइएगा, प्रभु से करीब जरूर हो जाइएगा, और प्रभु से करीब होके जब आपको पद मिलेगा, जब आपको प्रतिष्ठा मिलेगा, तो वो पद कोई छीन नहीं सकता है, वो ईश्वर ने दिया है, वो चोरी नहीं हो सकता है, वो घुन नहीं खा सकता है। आज बच्चे जब यहाँ आते हैं पुलपिट साझा होता है, ना मुझे दुख है ना सिस्टर एस्थर को दुख है, आपका अभिषेक जितना है कर लीजिए काम, आप मेरा कुछ लेके नहीं जा सकते। इसलिए मैं बोलता भी हूँ कि दुनिया का हम, मुझे लगता है कि इकलौता ये अभी ऐसा सेवकाई होगा जहाँ हम लोग छोटे छोटे बच्चों को भी पुलपिट दे देते हैं कि जाओ बोल के आओ, डर नहीं लगता है कि मेरा जगह ले लेगा, क्योंकि मेरा जगह ईश्वर ने बनाया है, आप कैसे ले लीजिएगा। मेरे साथ ईश्वर काम करता है, और जितना मेरे खत्ते का आत्मा है वो आपसे नहीं बचने वाला है, वो जब भी बचेगा तो मेरे ही माध्यम से बचेगा। और हम लोग इस बात को लेके खुश रहते हैं, आनंदित रहते हैं, पहले भी खुश रहते थे, आज भी खुश रहते हैं, भविष्य की चिंता नहीं है, भविष्य का डर नहीं है, क्योंकि प्रभु इस हालात से निकाल के लाया है कि जब वहाँ नहीं डरे तो यहाँ क्या डरेंगे। जब कुछ नहीं था तब तो डर नहीं लगता था, आज तो लाखों के लोग, लाखों की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमसे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, तो आज तो और भी डर नहीं लगता होगा ना। आज तो आप लोग भी मेरे साथ हैं, कल के डेट में अगर हम मर जाएं तो जितने लोग हैं वो सब कब्र में मिट्टी देने आएंगे। मैं एक दिन पत्नी को बता रहा था कि अब मैं मर के भी नहीं मर सकता हूं, जब भी आप मुझे ये मेरी याद आई यूट्यूब पे देख लेना, मैं ऐसे ही बोलते हुए पाया जाऊंगा। हाँ या नहीं है कि नहीं? तो ये सारे परिस्थितियों से प्रभु ने ऊपर कर दिया, तब जाके सेवकाई में चुना है। आपको भी प्रभु हर परिस्थिति से ऊपर करना चाह रहा है। बिना मतलब का डिप्रेशन में रहना बंद कर दीजिए, परेशान होना बंद कर दीजिए, समस्या में जाना बंद कर दीजिए, दुखी होना बंद कर दीजिए। प्रभु सारी बातें मिलकर सिर्फ और सिर्फ भलाई उत्पन्न करती है। प्रभु आपको जीवन को बदलना चाहता है, आपको अपने धर्म मार्ग में ले जाना चाहता है, अपनी उपस्थिति से भरना चाहता है, वो और करीब लाना चाहता है। उस संदर्भ में वो जो आपके जीवन में कर रहा है करने दीजिए ना उसको, पूरा बाइबल यही सिखाता है, समर्पित कीजिए, प्रभु को काम करने दीजिए, कहिए प्रभु मेरे जीवन में तू बढ़े और हम घटे। हालेलुया। तो प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए खड़े हो जाएं। प्रार्थना करिए उससे, कहिए कि प्रभु हमारे जीवन की जो भी अवस्था है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। बीमार तो है प्रभु लेकिन मरे नहीं है, गरीबी में है लेकिन मरे नहीं है, आर्थिक तंगी में है लेकिन तूने मुझे थामे रखा है, कर्ज में है लेकिन तूने हमें थामे रखा है, हर अवस्था में जैसे तूने दाऊद को थामे रहा, जैसे तूने मुझे थामे रहा प्रभु, जब भी जहां भी मैं खड़ा रहा तेरी उपस्थिति रही प्रभु, तू हमें थामे रहा। जब मेरा बस दुर्घटना हुआ प्रभु तब भी तू थामे रहा, जब दुकान बंद हुआ तब भी तू थामे रहा, जब बिजनेस चौपट हुआ तब भी तू थामे रहा, जब मैं कर्ज में रहा तब भी तू थामे रहा, जब मेरे ऊपर पुलिस केस हुआ तब भी तू थामे रहा, जब मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ तब भी तू थामे रहा, जब प्रभु सारा संसार कोरोना से त्राही माम कर रहा था तब भी तू थामे रहा। हे प्रभु हर वक्त तू हमें थामे रहा, और हमारे जीवन में चाहे जो भी परिस्थितियां आई प्रभु, उसके माध्यम से मैं धर्म के राज्य में प्रवेश कर पाया, मैं पवित्र आत्मा तुझे और करीबी से जान पाया। पिता कहिए उस पिता से कि हमारे जीवन में चाहे जो भी समस्याएं आई लेकिन तूने हमें थामे रहा, पकड़ के रखा, कभी साथ नहीं छोड़ा, हमें अपने जीवन में बनाए रखा, अपने सानिध्य में बनाए रखा, और प्रभु आगे भी हमें प्रभु उस मुकाम पे ले जाएगा
जहां तू लेके जाना चाहता है। हमें प्रभु आज ये सामर्थ्य दीजिए कि हर अवस्था में हम तुझसे बने रहें, तुझसे जुड़े रहें और आनंद के साथ तुझे तेरा धन्यवाद करते रहें। तेरी दासी, तेरी बेटी, तेरी प्यारी बेटी बहन हिल्ला को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु तूने अद्भुत रीति से उनके जीवन में चमत्कार किया और खुद अपने हाथों से उनको मरहम पट्टी किया, उनके घावों को भरा और प्रभु वो सुस्वस्थ होके हमारे साथ तेरा कार्य करने लगी हैं। प्रभु इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐसे जितने लोग जहाँ बीमार हैं, परेशान हैं, प्रभु उन सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु शांति, जस्मिन, अमोश, जगन्नाथ, अली, सुनीता, शहान, नारा, प्रदीप, मेघा, एलेक्स, राजेंद्र, शनि, रवि, हर्षित, विजय, राम प्रवेश, सरिता, सुशीला, प्रियंका, मैक्सवेल, उषा, ग्रेश, जितने बच्चे तेरे नशे से ग्रसित हैं अब, आशीष, शालू, अनमोल, राजेश, अनिमेश, भूषण, हेमात, सुनील, मगदली, नवीन, ऋतिक, अभिषेक, लुइस, जॉनसन, जो लोग बेरोजगार हैं, पुष्पा, गोडलीबा, सीमा, नीलम, निशा, संध्या, दिवेश, अनुजा, दीपेश, अंजू, विकास, दिव्या, सुशन, लीलिबा, विनीता, जो लोग पढ़ाई और एग्जाम के लिए प्रार्थना चाहते हैं, अंजू, अनामिका, महक, इशिता, शारा, अनु, अनल, प्रिया, अज्वाय, अनुपा, नीलिमा, ओलिवा, अवेल, एबिलिन, विपिन, अर्जीन, सुषमा, अनमोल, रवि, जगरानी, संध्या, अनुपम, महिमा, अर्पित, अंशुल, प्रियंका, अखिल, शुभम, अंजलि, रूथ, जॉर्डन, हनी, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अभिषेक, सीमा, निखिल, रंजीत, समीता, शर्मिला, कुलदीप, सिल्की, सागर, विभु, डैमियन, मनीता, जूलियस, ओशिन, जो लोग पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, सीमा, सुनीता, पुष्पा, गुड्डी, अनीता, नीलम, सुमन, सौरभ, रोहित, निर्मला, जो लोग निसंतान है के लिए संतान के लिए प्रार्थना चाहते हैं, किशोरी, संगीता, जो लोग विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मेधा, विजय, उर्मिला, वंदना, गोरेटी, ज्योति, जो लोग नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं प्रार्थना चाहते हैं, गोरेटी, जो अन्य समस्या से ग्रसित है, इग्निश, ज्योति, मंजू, जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, फुलजेंस, प्रीति, लॉरेंस, वायलेट, निर्मला, विजय, उपेंद्र, ज्वाय, जो लोग ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, मार्शल, पूजा, ज्योति, जो जमीन से संबंधित प्रार्थना चाहते हैं, विपिन, मोहिनी, जो लोग प्यार, मेल मिलाप के लिए प्रार्थना चाहते हैं, रंजीता, असुता, सविता, फुलजेंस, प्रभु जितने लोग जहां भी हैं, जो लोग अभी देख रहे हैं, जो लोग आराधनालय में हैं, जो लोग हमारे प्रार्थना परिवार से जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले, पिता उन सब को तेरे हाथों में समर्पित कर। तू जानता है कि हम सब के जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, लेकिन प्रभु ये सारी समस्याओं का समाधान सिर्फ तू है और इसके लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। पिता हम तुझ में बने रहें, इससे हमारी सारी समस्याओं का अंत हो जाए। Oh,
जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती उसको वो छांटता है। जिससे डरता है उसको वो डांटता है। रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। ये पिता जहाँ भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है उन सब जगहों के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। अंजना के लिए उनके लिए प्रार्थना करते हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अन्य स्टेट के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर, शिक्षक के लिए प्रार्थना करते हैं। गैर सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी, जितने तेरे आराधक हैं, सेवक हैं, दास हैं, दासी हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने विधवा हैं, विदुर हैं, बुजुर्ग हैं, अनाथ हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हे दयालु पिता, पूरे विश्व के लिए आज तुझसे अभिषेक मांगते हैं। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे प्रभु, आज उन तमाम बच्चों के लिए पवित्र आत्मा मांगते हैं जो नकारात्मक शक्ति से ग्रसित हैं। प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं जो हीन भावना से ग्रसित हैं, जो डिप्रेशन से ग्रसित हैं, जिनको ये लगता है कि उन्हीं का जीवन सेटल नहीं हो रहा है। कोई उर्मिला है जो प्रभु कह रहा है निराश नहीं होइए, हताश नहीं होइए, प्रभु आपके जीवन को सेटल कर रहा है। विपिन, प्रभु कह रहा है कि आपके जीवन को सेटल कर रहा है, उसमें बने रहिए। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे विश्वासी यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो। ये दयालु पिता, हम तेरी प्यारी बेटी अंशु को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। कल संध्या 5:30 में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना उद्धव परिवार, अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय।